हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जहांगीरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल के मैप में अपना घर या गांव या शहर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जी हां, आप अपने घर को, अपने गांव या शहर को अपने मोबाइल के मैप में देख सकते हैं। और अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हैं और आपने उस जगह को नहीं देखा, उस जगह को देखना चाहते, तो वो भी आप HD में फ़ोटोज़ भी उस जगह की देख सकते हैं अपने मोबाइल के मैप में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल टेक्निकल जहांगीरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके सपोर्ट से हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें। तो चलिए मैप्स को ओपन करते हैं। ये देखिए मैप्स है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ये मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल में होती है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगी। तो यहाँ पे सर्च बार में देखिए, पहले यहाँ पे आपको 3 डॉट का आइकॉन दिखाई देता होगा। ऊपर 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, सैटेलाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सैटेलाइट बना हुआ है बी साइकिलिंग के नीचे, सैटेलाइट पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आप जिस जगह को देखना चाहते हैं उस जगह को यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे कानपुर सर्च करता हूँ। अब जिस जगह को सर्च करना चाहते हो वो पूरा इलाका, पूरा नाम उस जगह का यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे कानपुर सर्च कर दे रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर देखिए ये कानपुर ओपन हो चुका है। अब इसे जूम करते हैं और देखते हैं। तो जैसे जैसे आप जूम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये देखिए घर दिख रहे हैं कुछ, ये जगह के नाम हैं देख रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए ये रोड है, पार्क है, मंदिर है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से आप और जूम करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क थोड़ा अच्छा होगा तो क्लियरिटी भी और अच्छी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए घर हैं छोटे छोटे, ये देखिए ये सड़क है, रोड, ये कॉफ़ी है बाबा कॉफ़ी, ये देखिए रोड है। तो दोस्तों आप जिस जगह को भी देखना चाहते हैं, ये देखिए बिल्डिंग है यहाँ पे, देखिए आपको सिर्फ सैटेलाइट पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे कि चलिए मैं किसी और जगह को सर्च करता हूँ, जैसे कि चलिए ताजमहल सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे ताजमहल सर्च कर देता हूँ। ये देखिए ताजमहल डायरेक्ट ओपन हो चुका है। ये देखिए ये ताजमहल है, देख रहे हैं आप। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस जगह की फ़ोटो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे फ़ोटो बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे ये देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इसे घुमा सकते हैं, उस जगह को देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए ताजमहल की कुछ फ़ोटोज़ आ गई है, ये देखिए देख रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग। तो इसी तरीके से आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस फोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। आप जिस फोटो को चाहें यहां से सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी भी जगह को देखना चाहते हैं तो इसी तरीके से उस जगह की फ़ोटो भी देख सकते हैं और उस पूरे इलाके को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, नाम के साथ कि वहाँ क्या क्या पार्क है, क्या होटल है, आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपको एक बार और बता देता हूँ, मैप्स पर आना है और उसके बाद 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सैटेलाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है जिस जगह को भी देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं वाराणसी सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए वाराणसी ओपन हो चुका है, बनारस का इलाका। ये देखिए जूम करेंगे तो यहाँ पे घर वगैरह सब आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए जूम करते हैं, ये देखिए, ये देखिए घर आपको दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए। और यहाँ से आप फोटोज़ भी देख सकते हैं वाराणसी पर क्लिक करके। ये देखिए कुछ वहाँ के फ़ोटोज़ हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यही थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ में उस घंटी वाले बेल को दबा लें, ताकि आपके सपोर्ट से हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।